भिलाई नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को खुर्सीपार में हुआ। उद्घाटन अवसर पर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक और क्षेत्र के रहवासी उपस्थित थे। कार्यालय उद्घाटन अवसर पर भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने आप को पानी वाला बाबा बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का ही श्रेय ले रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि इस बार भाजपा की सरकार बननी निश्चित है। प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के हितों पर कुठाराघात किया है, जिसकी कथनी और कथनी को जनता समझ चुकी है। के मंचों पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाए रखना, चंद्रयान से लेकर के G20 तक के सफलता पूर्वक कार्यों से कांग्रेस के वो बौना नेतृत्व और उनकी पार्टी घबरा करके वे सारे दलों को इकट्ठा की जो एक एक परिवार के दल हैं और जो एक एक दल एक एक दूसरे के खिलाफ वैचारिक रूप से ही नहीं मैदान में भी एक एक नेताओं को पानी पी पी करके गालियां देते रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद की जो प्रखर लहर चल रही है पूरे देश में, उस राष्ट्रवाद की प्रखर लहर को रोकने के लिए ये सारे षड्यंत्रकारी एक साथ जाकर के खड़े हुए हैं और इसलिए इस चुनाव का परिणाम उन तमाम षड्यंत्रकारियों के हौसलों को भी पस्त करेगा। 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश होगा। उसका कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले समय जो चुनावी वायदे किए थे, उन चुनावी वायदों में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जितने वायदे किए सारे वायदे उनके कागज पे ही सिमट के रह गए। पहले उन्होंने कहा कि लोगों का बिजली बिल हाफ, सबका बिजली बिल हाफ। सारे तबके वाले सोचने लगे, उद्योग वाले सोचने लगे हमारा भी होगा, दुकानदार सोचने लगे हमारा होगा, किसान सोचने लगे हमारा होगा। बाद में बोला कि प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं का 400 यूनिट तक बिजली हाफ, वो भी हाफ किया, इधर हाफ किया उधर बढ़ा दिया। सबका बिजली बिल 5 साल में 400 यूनिट तक लगभग 600-650 रुपया बढ़ करके आया है। बीएसपी के लोगों को, बीएसपी टाउनशिप के लोगों को बहुत दिन नहीं हुआ, 2 महीना पहले का कि आपका बिजली बिल हाफ हो जाएगा। विधायक जी तो वीडियो में बोलने लगे कि अब सबका बिजली बिल हाफ हो गया, हाफ हो गया। लोग इंतजार कर रहे थे, सितंबर पे अक्टूबर का बिल देख रहे थे। का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आगामी 2 नवंबर से भिलाई बचाओ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भिलाई नगर विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं के पास जाएगा और पिछले 5 वर्षों में जो भिलाई की दुर्दशा हुई है, भिलाई के लोगों के साथ झूठ और धोखा हुआ है, भिलाई को जैसे लूटा गया है और भिलाई को नशा और अपराध के गढ़ में परिवर्तित किया गया है, भिलाई के युवाओं को जो IITian बन रहे थे उन्हें महादेव ID की ओर धकेला गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच जाएंगे और आने वाले समय में भिलाई सहित पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर प्रत्याशी को इतनी समझ नहीं है
कि मुकाबला प्रत्याशियों के बीच होता है, जनता तो निर्णायक की भूमिका निभाती है, उसको खिलाड़ी कौन है और रेफरी कौन है यही नहीं मालूम, तो अब क्या कहा जाए।